नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मुंह से बदबू क्यों आती है, मुंह से बदबू आना कैसे ख़त्म करें, क्योंकि किसी का कमेंट था कि आप मुंह से बदबू आने पे वीडियो बनाइए। तो आज हम जानेंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है और उसका क्या समाधान है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं नुस्खे जिससे हम अपने किचन में उपस्थित चीज़ों से उपाय करेंगे और मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं कि हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है। मुंह से बदबू आने का मुख्य कारण होता है पेट की खराबी। जब कभी पेट खराब होता है, लीवर सही से काम नहीं करता है, खाना को पचने नहीं देता है, जब हम कुछ खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, वो सड़ता है, जब खाना पेट में सड़ेगा तो उसकी बदबू गैस कहीं से निकलना है। जब पेट में खाना सड़ता है, पचता नहीं है, तो हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना डाइजेशन सिस्टम सही रखेंगे तो आप सैकड़ों बीमारियों से दूर रहेंगे। तो हमें मुंह से बदबू जो आती है उसे रोकने के लिए डाइजेशन सिस्टम को सही रखना है। ऐसा खाना खाना है जो आसानी से पचे। जो खाना नहीं पचता है उसे ना खाएं, कम खाएं। दोस्तों, दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारे मसूड़ों में किसी तरह की परेशानी आ जाती है, किस तरह की दिक्कत आ जाती है, या दांत में कीड़े की शिकायत आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे मुंह से बदबू आने शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को अगर वो ब्रश नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं और आलस करते हैं, उन लोगों के मुँह से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसका ये भी कारण है, तो आपको रोज़ ब्रश करना है। अगर हो सके दातुन करें तो कई बीमारियों का नाश होगा। दूसरी बात, पेट को आपको साफ रखना है। अब आते हैं कि चलिए, ये गलतियां हो चुकी हैं, हमने अभी तक रेगुलर दांत साफ नहीं किया, खाना हमारे दांत में भी फंस जाते हैं और सड़ते हैं तो बदबू आती है। तो दोस्तों, अब से आपको करना क्या है, जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद से मुंह में पानी लेकर उंगली से अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करेंगे और कुल्ला करेंगे, ताकि दांत में फंसा हुआ भोजन, मुंह में रुका हुआ भोजन वो कुल्ला के द्वारा बाहर निकल जाएगा या पेट में चला जाएगा, पेट में जाके उसका डाइजेशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मुँह में जो खाना सड़ता है वो खाना नहीं सड़ेगा और अंदर जाकर जब पच जाएगा तब भी आपके मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, आपने गलतियां कर दिया है, फिर भी मुंह से बदबू आ रही है, तो उसके रोकने के उपाय मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल सा काम करना है कि सुबह सुबह उठकर आपको ब्रश करना है, दातुन करना है। दातुन करने के बाद से आप एक लौंग ले लीजिए और मुँह में डालकर उसे चूसिए। उसे जब तक चूस सकते हैं चूसिए, उसे चबाना नहीं है, उसे चूसना है। अगर आप ऐसा डेढ़ दो महीना करते हैं तो आपके मुंह से बदबू आना ठीक हो जाएगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी। आप किसी के भी सामने मुंह खोलकर आसानी से बात कर सकते हैं, आपको बात करने में शर्मिंदगी नहीं आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, ये उपाय तो करना है, साथ में एक नुस्खा मैं आपको और बता देता हूँ। आपको करना क्या है, फिटकरी, जो फिटकरी आती है, उस फिटकरी का थोड़ा सा पानी में लेकर उसे गर्म कर दीजिए। फिटकरी पानी में गल जाएगी, उसके बाद से जब पानी हल्का ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तब आप उसे मुँह में लेकर कूला करें। 8-10 बार कूला करें, सुबह शाम करें, क्योंकि मुंह में पानी लेकर कूला करेंगे और दो बार करना है, दिन में दो बार कीजिए, सुबह शाम कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तब भी आपके मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी, आपकी ताज़ी सांसें आएगी और दूसरों को आपके मुंह की बदबू नहीं लगेगी। आप हमेशा खुलकर बातें कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपको रोज़ाना ब्रश करना है या दातुन करना है। जब भी कुछ भी खाएं आपको मुंह में पानी लेकर अपने उंगली से दांतों को रगड़ देना है और कुल्ला ज़रूर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दांतें स्वस्थ रहेगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी, आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करेंगे। दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बतलाएं और अपने दांतों को स्वस्थ रहें, मुंह से बदबू ना आने दे उसके लिए नुस्खा अपनाएं। बहुत ही सस्ता नुस्खा है, कोई महंगा नुस्खा नहीं है। दोस्तों स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।